एक दिन मैं किसी महापुरुषों को बैठा सी, मैनू कहन लगे जिस दिन गुरपुरब होंदा जाना दरबार साहिब, आखो सतनाम। काफी पुरानी गल, 15 साल कहिंदे जिस दिन गुरु रामदास जी का आगमन पुरब होंदा जाना दरबार साहिब, मैं आख्या मैं क्या जी रश बड़ा होना, अंदर दे जाना बड़ा औखा, संगत बहुत होंदी। जिवें हुणे भाई विशाल सिंह ने सुनाया भी किसे किसे दिन 7.5-7 घंटे, किसे दिन 3-3 घंटे, गुरपुरब वाले दिन बहुत होंदे। मैं क्या जी कट्ठ बहुत होंदे, अंदर दे समा ही बड़ा। मैनू कहन लगे अंदर नाम ही जाया जाए, भावे सरोवर दे कंडे ते अद्धा घंटा बैठ के ही हाजरी ला के आ गए। मैं कह जी उहदे नाल की, 15 साल पहली मैनू कहिंदे गुरु रामदास भोलिया इन्ने वड्डे है, जिस दिन आगमन पुरब होंदा है लखां शहीद सिंह लखां बख्शियां रूहां दरगाह विच्चों आप आंदियां हाजरी भरन, असी सरोवर दे कंडे ते वी अद्धा घंटा घंटा सिमरन करके आ जाइए गुरु रामदास जी दा वाहिगुरु दा, सानू ओह रूहां नज़र आउण ना आउण उहनां दी नज़र विच बख्शियां दी नज़र विच असी आ जाने आ, साडा भला हो जाए, साडे पाप धोते जाए। गुरु रामदास इन्ने वड्डे ने, जिस दिन प्रकाश होया महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश, ये 2 दिन बाद का बचन, महाराज ने जवाब दिता पुन सुर ऐसो कोई ना अहे। तुसीं कहिंदे फलाना देव नाराज ना हो जाए, कोई देव है ही नहीं जिहड़ा आप ना हाजरी भरे, आ नहीं हां जो वास ना होए। इंज महाराज अगे वधन लगे, उन्हां फिर राह रोक लिया प्यार 7 सिखां ने, सारिया के ना आए हुए थे। मारे कहते फिर रोक लिया जी प्यार जरा, कहते जी एक प्रश्न और, पहले असी होर तीर्थां ते जाने सां, हुण इस तीर्थ ते आने हाँ, तो किसी तीर्थ की साढ़े ते करोपी ते नहीं हो जाएगी, आखो सतनाम। पहले देवी देवता क्या, हुण तीरथ दा क्या। देखो मैं हैरान हाँ भी गुरु अर्जन देव जी की भावना किड़ी। मैनू बाबा सुखदेव सिंह जी भुजो साहब वाले एक दिन कहन लगे, गुरु अर्जन देव जी ने हरिमंदर साहब एक चिट्टी चादर रखी अपनी, आखो सतनाम। होर कुछ जिथे कोठा साहब महाराज का स्वरूप आके विराजमान होंदा है ना जी, काल तख्त साहब कोठा साहब, वो पलंग दे थले अज भी चिट्टी चादर विछदी। बाबा बुढ़ा जी कहते जी किथे विराजमान करना, जिस दिन प्रकाश हो महाराज कहते पलंग ते। महाराज तुहाडे कदी महाराज इत्थे रुकदे सी नूं तां कोठा साहब कहते, कदी गुरु के महल रुकदे सी। महाराज फिर तुसी कहिंदे मेरे आसे चिट्टी चादर थले, मैं थले भुंजे लम्मा, आखो सतनाम। वो अज तक भावना नाल चादर विछदी है, तुसी जायो नहीं तो पलंग थले कदी चादर वेखी नहीं, वो अज तक विछदी। हुण बाकी सारे हरिमंदर साहिब वेख लो, सब पासे धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, जे कदे लिखिया तो धन गुरु रामदास, जे लंगर तो धन गुरु रामदास, ये किधरे होर ते धन गुरु राम। हालांकि गुरु रामदास जी ने शुरुआत कराई, बाकी सारा संपूर्ण गुरु अर्जन देव कराया, मर्यादा उन्होंने बनी। पर एडी साई लई जगह सी, अपने मालक लई गुरु रामदास जी लई एडी तगड़ी भावना सी, अपनी एक चिट्टी चादर रखी है, बाकी सब जगह गुरु रामदास जी की जय जयकार, आखो सतनाम। वाह
ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬੇ ਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਲਾਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੌਗ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਚਲੋ ਦੁਖਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪੇ ਲੱਗ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰੀ ਪਰਾਉਣਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਸਾਂਝਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰੋਈਏ ਚਿੱਤ ਚਿੰਤਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲਿਓ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਏ ਪੱਗ ਪੱਗ ਮੈਂ 100 ਤੀਰਥ ਆਏ। ਪੱਗ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ। ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਰ ਪੈਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਏ ਪੱਗ ਪੱਗ ਮੈਂ 100 ਤੀਰਥ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100-100 ਤੀਰਥ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਏ ਪੱਗ ਪੱਗ ਮੈਂ 100 ਤੀਰਥ ਆਏ। ਉਹ ਸੱਤੇ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਤੱਟ ਰਹੇ। ਤੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਚ ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਤੱਟ ਰਹੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਤਾਂ ਕੋ ਚਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਏ ਪੱਗ ਪੱਗ ਮੈਂ 100 ਤੀਰਥ ਆਏ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਤੱਟ ਰਹੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਪਾਵਨਤਾ ਕੋ ਚਹੇ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਪਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਰੀ,
बड़ा कट्टर सी, किसी नूं नहीं मंदा। सिर्फ तीन दिन आया हरिमंदर साहब, जो वेख्या उन्हें कलम ना लिखिया, तो श्रोमणी कमेटी जी के प्रचारक ने आप सुनाया। एम सावरी ने फिर लिखिया, कट्टर सी कित नहीं मन सी उहदा भेजदा, पर गुरु रामदास जी दर के दर्शन करके फिर उन्हें कलम चुकी तो कहिंदा, हिंदू को अंदर जाते हुए देखा। कहिंदे मैं पहला तीर्थ वेख्या भी कले सिख नहीं जाते, हिंदू को अंदर जाते हुए देखा, मुसलमान को अंदर से आते हुए देखा, सिखों को कीर्तन गाते हुए देखा। आखो सतनाम, वो लिखता है जी, हिंदू को अंदर जाते हुए देखा, मुसलमान को अंदर से आते हुए देखा, सिखों को कीर्तन गाते हुए देखा, शूद्र को अशूत को हलवा खाते हुए देखा। आखो सतनाम, हलवा क्या कड़ा प्रसाद। कहते मैं पहला स्थान वेखे है, उची जात वाला भी उतो कड़ा प्रसाद लै रहा, नीवी जात उची जात वाला भी उथे चुभी मार रहा, तू भजनी पेरी नीवी जात वो। मैं पहला स्थान वेखे है, उची जात वाला भी उसे पंगे च लंगर छक रहा है, नीवी जात। एम सावरी बड़ा कट्टर वीर अपने धर्म, पर गुरु रामदास की सिफत करनो नहीं रह सकया। कहते मैं हिंदू को अंदर जाते हुए देखा, मुसलमान को अंदर से आते हुए देखा, सिखों को कीर्तन गाते हुए देखा, सिखों को बाणी गाते हुए देखा, अछूत को हलवा खाते हुए देखा। सिफत की थी। अगों कहिंदा आबे हयात का सरोवर है यहां बहता, आबे आप कहिंदे दरगाह दे अमृत, आबे हयात का सरोवर है यहां बहता। अगों कहिंदा सच पूछो तो खुदा यही है रहता, एक जगारा दे प्यार दे नाल, कहिंदे मैनू सच पूछो खुदा इत्थे ही रहिंदा, ओ सच्ची अकाल खुदा इत्थे ही है। ओ जिन्नी संगत बैठे हो, गुरमुख प्यारे, श्रोमणी कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, अज का विशा सी श्री गुरु रामदास जयो जय जग। मैं थोड़ी सारे जग में जय जय, सारे संसार जय जय, तिना लोगों जय जय।